This is another useful program for you. Means just to suppose that अगर आपके पास कोई भी string available है, अगर string के अंदर multiple words हैं या more than one words हैं, string के अंदर जितने भी words हैं, सभी words के first character को display कराना, means completely string display नहीं करा के only display क्या कराना, first character of each word in a given string. For example, अगर आपने input value provide किया as a हेलो, हेलो के केस में हेलो इटसेल्फ क्या है जा सिंगल वर्ड, तो इसका करेस्पोंडिंग आउटपुट क्या आना चाहिए, ओनली फर्स्ट कैरेक्टर एस एच. अनदर इनपुट वैल्यू सपोज दैट वी आर एंटरिंग एज हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इस बात करें इस केस में टोटल कितने वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स एच मीन्स हेलो एंड वर्ल्ड, तो इस केस में डिस्प्ले क्या कराना है, फर्स्ट वर्ड का ओनली फर्स्ट कैरेक्टर विच इज एच. सेम है सेकेंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर, मीन्स वर्ड्स सेपरेट किससे होते हैं, जस्ट स्पेस. लेकिन इस केस में जब आप लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे तो लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में आपको एक स्पेशल केस याद रखना पड़ेगा. टेक केयर अबाउट इफ ए स्ट्रिंग कंटेनिंग मल्टीपल कंटिन्यूअसली स्पेसेस और मल्टीपल स्पेस इन कंटिन्यूअस मैनर. सपोज है हेलो के जस्ट बाद मैंने प्रोवाइड कर दिया स्पेस 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 थ्री टाइम्स स्पेस, देन मैंने एंटर किया है वर्ल्ड. इस केस में जस्ट अगर आप लॉजिक्स प्रोवाइड करो बेस्ड ऑन स्पेस, तो फर्स्ट स्पेस के बाद जैसे नेक्स्ट स्पेस आएगा देन अगेन नेक्स्ट, मीन्स आपको इस मल्टीपल स्पेसेस के लिए सेपरेट केस या सेपरेटली लॉजिक्स आपको इंप्लीमेंट करने हो, तो इसको स्पेशली हैंडल कैसे करेंगे, सेपरेटली एक्सप्लेन करें. इस केस में अगेन आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड के वर्ड फर्स्ट वर्ड के केस में डिस्प्ले क्या हुआ एच, सेकेंड वर्ड के केस में अगेन डब्ल्यू. नेक्स्ट अगर मैं एंटर करता हूँ सम इनपुट वैल्यू एच सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगेन लाइक दैट, तो इस केस में जस्ट इसका करेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होना चाहिए, फर्स्ट वन सी, सी इटसेल्फ क्या वर्ड, इस वर्ड में ओनली सिंगल कैरेक्टर, तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले हुआ सी इटसेल्फ. नेक्स्ट वन सेकेंड वर्ड क्या है एज, एज के केस में ओनली क्या प्रिंट करा ओनली आई. नेक्स्ट वन ए, नेक्स्ट वन प्रोग्रामिंग से क्या डिस्प्ले कराना है ओनली फर्स्ट कैरेक्टर पी, लैंग्वेज के केस में ओनली क्या डिस्प्ले कराना है फर्स्ट कैरेक्टर एस एल, लाइक दैट. दिस इज द आउट ऑफ करेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग. इस केस में आपको जस्ट हैंडल क्या करना पड़ेगा स्पेशली नंबर ऑफ स्पेसेस, तो इस पर्टिकुलर केस में जस्ट मैं इसके लिए प्रोग्राम के फॉर्म में ओनली यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, इस फंक्शन को कॉल करा के आपके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना पॉसिबल नहीं, सारे लॉजिक मैं फंक्शन के फॉर्म में प्रोवाइड करूँगा जिससे आपकी लॉजिक्स अगेन रीयूज करना पॉसिबल हो. फंक्शन के केस में रिटर्न टाइप का यूज करेंगे, जस्ट मीन प्रोग्राम इटसेल्फ प्रिंट करने वाला है, तो प्रोग्राम जो इटसेल्फ रिजल्ट्स को डिस्प्ले करा रहे हैं आपको कोई वैल्यू रिटर्न करानी रीड नहीं, जस्ट रिटर्न टाइप यूज करोगे एज अ वॉइड, सिंपली वॉइड. फंक्शन नेम एज प्रिंट इन इट, इन इट मीन्स प्रिंट इनिशियल, देन आर्गुमेंट टाइप में पास क्या करोगे स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट टाइप मैंने डिक्लेयर किया जाए कैरेक्टर एरे ए, रियल में ए क्या है इस केस में पॉइंटर. नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने जो भी स्ट्रिंग इनपुट्स के फॉर्म में पास किया है उसे इनपुट स्ट्रिंग को लेफ्ट राइट कंप्लीटली ट्रेवर्स करने के लिए आपको ऑलरेडी रिक्वायर्ड किया हुआ लूप, इस केस में फोर लूप को मैनेज करेंगे. लेकिन लूप के रिस्पेक्ट में जस्ट आप इसमें लॉजिक्स किस टाइप से इंप्लीमेंट करो, लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में जस्ट वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि नेक्स्ट वर्ड जस्ट स्टार्ट हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीवियस ऑकरेंस ऑफ स्पेस, किसी भी वर्ड के जस्ट प्रीवियस केस में अगर प्रीवियस कैरेक्टर स्पेस फाउंड हो रहा है देन करंटली इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को नेम दोगे जा सेपरेट वर्ड, इस सेपरेशन के रिस्पेक्ट में लेकिन फर्स्ट वर्ड के रिस्पेक्ट में आपको कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है और फर्स्ट कैरेक्टर से पहले कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं, इसलिए फर्स्ट कैरेक्टर सेपरेटली आउट ऑफ लूप डिस्प्ले करा लें, क्लियर. देन जस्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन में बाद में पार्ट करूँ, जस्ट स्टार्टिंग में डिस्प्ले क्या कराएंगे फर्स्ट कैरेक्टर, बट सपोज दैट अगर आपने इनपुट में कोई एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया जाए एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी इस स्ट्रिंग के अंदर ओनली सिंगल कैरेक्टर फाउंड होगा ओनली नल, देन इस केस में कोई वर्ड है क्या नहीं, कोई भी कैरेक्टर है क्या नहीं, देन आपको डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं. अदरवाइज आप फर्स्ट कैरेक्टर किस इंडेक्स में होगा जीरो इंडेक्स में सेपरेटली डिस्प्ले कराओगे, तो जीरो इंडेक्स वाले कैरेक्टर को पहले चेक करोगे नल से, अगर नल नहीं है देन ओनली डिस्प्ले कराने की जरूरत है, अदरवाइज स्ट्रिंग इज एम्प्टी, तो इसके इसमें सेपरेटली कंडीशन हैंडल करने के लिए इसमें प्रोवाइड क्या करूँ इफ कंडीशन, इफ ए ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल्स टू नल, और अदर वे क्या राइट डाउन कर सकते हो सेम कंडीशन के लिए सिंपली ए ऑफ जीरो, या तो ए ऑफ जीरो का वैल्यू नल होगा, नल मीन्स जीरो, जीरो के केस में कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, अदरवाइज क्या होगा सम कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का आज के लिए ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव नंबर, इस केस में सिंपली डिस्प्ले क्या कराना है प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ
a ऑफ i प्लस ए वैल्यू मीन्स अगर आप सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करा रहे हैं इसके प्लेस पर अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं पुट केयर फंक्शन, क्यों पुट केयर फंक्शन के थ्रू भी सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना पॉसिबिलिटी ऑल्सो वैलिड केस। नेक्स्ट वन इसके जस्ट वन मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर किसी भी स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर आप ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। जैसे मैं लास्ट केस को टेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट केस के रिस्पेक्ट में जस्ट मैं लॉजिक से इंप्लीमेंट करके आपको शो कर रहा हूँ इन केस ऑफ लास्ट। तो लास्ट केस में मीन्स फर्स्ट इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ए ऑफ जीरो में क्या फंड रहा है सी का आस्की वैल्यू क्या 67, तो कंडीशन क्या पास होगा 67, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन डिस्प्ले क्या हो जाएगा जस्ट आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा सी इटसेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट टाइम क्या फंड हो रहा है स्पेस, तो नेक्स्ट टाइम जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है तो इस केस में चेक करो फोर लूप के केस में आप जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करने वाले हो या वन इंडेक्स से, इसे स्पेस से स्टार्ट करेंगे सी इटसेल्फ ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है तो इसलिए लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम i इक्वल्स टू वन इंडेक्स वैल्यू एज वन, कब तक चलाओ जब तक a ऑफ i में नल नहीं मिल जाता मीन से देन i प्लस प्लस। क्लियर। इस केस में न्यू वेरिएबल यूज किया जाए i, इसलिए सेपरेट वेरिएबल डिक्लेरेशंस किसके लिए प्रोवाइड करें जस्ट वेरिएबल i, ओनली सिंगल वेरिएबल रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वन इसे लूप के रिस्पेक्ट में जस्ट लॉजिक इस फॉर्मेट में मैनेज करोगे सी के केस में मीन्स दूसरा केस यूज कर रहा हूँ इधर हेलो वर्ल्ड। इन दैट केस सबसे पहले इस पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग आउटपुट में ऑलरेडी प्रिंट क्या हो चुका हुआ कैरेक्टर एच, बिकॉज एच अवेलेबल इन जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और नल होगा लास्ट में देन इलेवन। क्लियर। नहीं स्ट्रिंग कब तक ट्रैवर्स होगा अब तक अप टू इलेवंथ इंडेक्स। नेक्स्ट में इस केस में इफ कंडीशन फोर लूप के अंदर कोई भी कैरेक्टर डायरेक्टली डिस्प्ले न करा के केवल आपको फर्स्ट कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है, सपोज दैट इसके अंदर एक से ज़्यादा स्पेस हो सकते हैं और मे बी सिंगल स्पेस, देन नेक्स्ट टाइम फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है आप ट्राई किस लिए करोगे नेक्स्ट वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर के लिए, तो नेक्स्ट वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर के जस्ट पहले आप जैसे ही आपके पास आई का वैल्यू सिक्स होगा सपोज दैट आई का वैल्यू क्या है सिक्स, देन ए ऑफ सिक्स पास हो रहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में अगर आप चेक करोगे देन इसके लिए कंडीशन क्या बन जाएगा कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट हो चुका तो इसका प्रीवियस कैरेक्टर क्या रखा रहा होगा जस्ट स्पेस, मीन्स आई इटसेल्फ क्या प्रिंट करा करंट, तो इसका प्रीवियस पोजिशन क्या हुआ आई माइनस वन। क्लियर। तो इसके इसमें आप स्पेस कंपेयर किससे कराओगे प्रीवियस से, तो प्रीवियस के इसमें कंडीशन क्या राइट करेंगे इफ ए ऑफ आई माइनस वन इज इक्वल्स टू स्पेस, अगर प्रीवियस कैरेक्टर का आस्की वैल्यू स्पेस है देन इस केस में आप डिस्प्ले क्या कराओगे वर्ड प्लस वन मोर केस, अगर इस केस में टू स्पेस अवेलेबल है सपोज दैट इस स्ट्रिंग के अंदर अगर टू स्पेस है मीन्स फिफ्थ इंडेक्स में भी स्पेस है और फोर्थ इंडेक्स में भी स्पेस है, फोर्थ और जस्ट मैं इसको डायग्राम के फॉर्म में बता रहा हूँ देन आपके लिए इजिली सुनना पॉसिबल होगा एच ई एल एल ओ स्पेस डब्ल्यू ओ एंड सो ऑन इंडेक्स वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो इसके से मुझे एज्यूम करना है टू स्पेस, अगर टू स्पेस अवेलेबल है देन फोर्थ मीन्स करेंटली अगर आई का वैल्यू क्या है फोर, आई का वैल्यू फोर है देन फोर माइनस वन इज थ्री, तो ए ऑफ थ्री में सच क्या हुआ एल, तो इसके लिए तो कोई मीन्स एक कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स क्योंकि एल स्पेस के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू सपोज दैट क्या हुआ फाइव, आई का वैल्यू जैसे ही फाइव हुआ फाइव माइनस वन इज फोर, तो फोर्थ इंडेक्स में फाउंड क्या हो रहा है स्पेस, स्पेस से मैच हो रहा है लेकिन करेंटली मीन्स आई का वैल्यू फाइव है और प्रीवियस पोजिशन क्या है स्पेस, लेकिन करेंट प्लेस पर कोई कैरेक्टर है क्या नहीं, तो आपको करेंट प्लेस भी चेक करना है करेंट प्लेस भी स्पेस नहीं होना चाहिए, मीन्स प्रीवियस प्लेस पर स्पेस होना चाहिए प्लस करेंट प्लेस पर क्या होना चाहिए अदर देन स्पेस, इसलिए एक और कंडीशन क्या अप्लाई करोगे इफ ए ऑफ आई माइनस वन इक्वल इक्वल स्पेस, इसका मतलब क्या प्रीवियस कैरेक्टर क्या फाउंड हुआ स्पेस, तो करंट कैरेक्टर भी क्या होना चाहिए नॉन स्पेस, अगर करंट कैरेक्टर स्पेस हुआ देन आपको डिस्प्ले कराने की नीड नहीं है, देन मीन्स कंटिन्यूस स्पेसेस को हैंडल करने के लिए एक और कंडीशन क्या लगाओ इफ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू स्पेस देन ओनली आप डिस्प्ले क्या कराओगे पुट केयर फंक्शन भी यूज कर सकते हो और सिंपली प्रिंट एप भी यूज करना पॉसिबल, इसमें सप्लाई क्या कर देंगे ए ऑफ आई।
मीन्स कंप्लीटेड। इसके अलावा आपको कोई भी केस हैंडल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ए पर्टिकुलर लॉजिक सभी केसेस में वर्क इन ऑल केसेस। इसका जस्ट वर्किंग क्या है, डिस्प्लेइंग फर्स्ट कैरेक्टर और फर्स्ट इनिशियल कैरेक्टर फ्रॉम ईच वर्ड ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। अगेन इसको कॉन्सेंट्रेट करोगे पर्टिकुलर केस आई माइनस वन क्या चेक करेगा, प्रीवियस कैरेक्टर का पोजिशन। अगर प्रीवियस पोजिशन में अगर स्पेस फाउंड हुआ है और करेंट पोजिशन में अगर स्पेस नहीं है, देन इस केस में क्या आएगा, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू और सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है, देन ओनली ए ऑफ आई डिस्प्ले होगा, अदरवाइज आपको ए ऑफ आई डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर, एक केस आपको टेस्ट करवा रहा हूँ जिससे आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कोई स्ट्रिंग क्रिएट किया, एंटर किया लाइक दैट, लास्ट पोजिशन में क्या है नल, मिडिल टू पोजिशन में क्या है स्पेस, ए बी सी देन डी ई, तो इस केस में डिस्प्ले क्या होगा, ओनली ए एज अ फर्स्ट वर्ड, डी इज अ फ्रॉम सेकंड वर्ड, मिडिल प्लेसेस पर क्या सम स्पेसेस, 0 1 2 3 4 5 6 7। इस केस में जब लूप मैनेज करेंगे इसको कंसिडर करो ए ऑफ आई, आई के केस में इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, आई का जीरो, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है जीरो, तो चेक क्या होगा, फर्स्ट केस में ए ऑफ जीरो ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका, तो ए ऑफ जीरो केस में वैल्यू क्या है ए, तो फर्स्ट टाइम ऑलरेडी प्रिंट किया चुका हो समथिंग ए, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है वन, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, इनिशियल वैल्यू आई का गार्बेज था सॉरी, देन वन होने के केस में देन चेक क्या हुआ ए ऑफ वन, ए ऑफ वन में क्या फंड हो रहा बी विच इज नॉन जीरो, कंडीशन ट्रू, देन आई वन माइनस वन क्या जाएगा जस्ट जीरो, और जीरो में क्या ए, दिस कंडीशन इज फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड सर्च ही नहीं हुआ, चेक ही नहीं हुआ, सेम है सी के केस में भी चेक नहीं हुआ। अब मैं बात करूँ जैसे ही आई का वैल्यू थ्री हुआ, देन थर्ड केस में क्या फाउंड हो रहा है स्पेस, तो थ्री माइनस वन में क्या है, थ्री माइनस वन इज टू, टू में क्या सी, तो सी अगेन मीन्स स्पेस से, मीन्स जब आई का वैल्यू थ्री हुआ देन इस केस में कंपेरिजन किसके साथ हो रहा है सी का स्पेस के साथ, कंडीशन फॉल्स है सॉरी, एक कंडीशन कैसा है फॉल्स, इक्वल इक्वल के लिए टेस्ट कर रहे हैं, इक्वल इक्वल कंडीशन इज फॉल्स, सेकंड टेस्ट नहीं हुआ, देन नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर, नेक्स्ट टाइम फोर होने के इसमें जस्ट पास क्या किया फोर माइनस वन, और फोर माइनस वन क्या आएगा थ्री, देन इस केस में थर्ड इंडेक्स में क्या ऑलरेडी स्पेस, कंपेयर भी किस हो रहा है स्पेस से, कंडीशन इज ट्रू, फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है लेकिन अभी भी देख सकते हैं फोर्थ इंडेक्स में कोई कैरेक्टर है क्या नहीं, तो इसलिए आपको डिस्प्ले कराने की नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जस्ट उन्हें सेकंड कंडीशन प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट टाइम अभी आई का वैल्यू अभी भी फोर है, देन ए ऑफ फोर इक्वल इक्वल स्पेस नॉट इक्वल स्पेस, तो ए ऑफ फोर का वैल्यू क्या है ऑल्सो स्पेस, स्पेस नॉट इक्वल टू स्पेस, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, देन अगेन कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्लियर, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइव, देन फाइव माइनस वन इज फोर, फोर्थ इंडेक्स में क्या है स्पेस, फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू है, सेकेंड केस फाइव, ए ऑफ फाइव में क्या है जस्ट डी, डी नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन इज ट्रू, इस केस में प्रिंट क्या हो जाएगा डी इट सेल्फ। क्लियर, दिस इज द आउटपुट रिगार्डिंग गिवन लॉजिक्स।